मंगलवार को शहर के सभी 48 वार्डों के विकास सहित नगर निगम की विकास गतिविधियों में सुधार के लिए स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक निगम सभागार में सभी सदस्यों सहित महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई, जिसमें करीब 76 प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे गए थे और इनमें से लगभग 95% प्रस्तावों को इस बैठक में पारित कर दिया गया, जबकि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता जताई गई। और बात करें अगर प्रमुख मुद्दों की तो सफाई, स्ट्रीट लाइट और आदि ऐसे मुद्दे रहे जो प्रमुखता से सदस्यों द्वारा उठाए गए। दूसरा, जो एक टेम्पो दिया गया था, निगम का टेम्पो था, उस टेम्पो को 25,000 रुपया भुगतान दे दिया गया। जब टेम्पो बन के आया, उसी हालत में बन के टेम्पो आया, सर नगर निगम जनता का पैसा, सर जो दिया उस पर भी FIR और जांच की बैठा जाए, जहां से आया उसको भी संज्ञान में लिया जाए कि देने वाले कैसे हैं, कि जैसे ही वो रिसीव कर ली। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, इस बैठक में आप लोगों ने भाग लिया, कितने एजेंडा को पास किया, कितने एजेंडा पर रोक लगाया गया, मेन मुद्दा क्या सब रहा, किस चीज पर फोकस? लगभग हम लोगों ने 95 एजेंडा को पास कर करके 5% एजेंडा ऐसा था जिसको हम लोगों ने उसको अस्वीकृत किया। कुछ एजेंडा हम लोगों ने जांच को, नगर आयुक्त को माध्यम दिया कि इसको जांच कर करके भुगतान किया जाए। और आपने जो लाइट का भी एक प्रॉब्लम उठाया है, लाइट का मुद्दा है, वो लाइट का मुद्दा क्या है? लाइट का मुद्दा इम्पोर्टेंट मुद्दा है शहर का। शहर में 3 लाइट लगा हुआ है, सूर्या, बजाज और WSL। अभी जो सर्विसिंग और मेंटेनेंस हो रहा है वो WSL का हो रहा है, बजाज का वो लोग मेंटेनेंस वाले बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे। जनता जानता है नगर निगम कि नगर निगम से लाइट लगा हुआ है, जनता ये नहीं समझता है किस डिपार्टमेंट का है। अभी हम लोगों ने नगर आयुक्त साहब और स्टैंडिंग कमेटी में जांच की मांग हम लोगों ने रखा है कि ये एक स्कैम है, इसको जितने भी लाइट का है इस पे जांच किया जाए, जांच कर करके इस पे जो आप निर्णय ले ये विभागीय द्वारा इस पे निर्णय लिया जाए। एक मुद्दा आपने और भी उठाया है कि नगर के कर्मियों द्वारा लापरवाही की जाती है, जिससे बहुत ज्यादा अनियमितता है, इस पे क्या? नगर निगम में तो 25 डेज जो है वो अपने सैलरी पे काम होता है, 5 दिन महीने में 5 दिन आम जनों का काम होता है, सिर्फ आए 5 दिन, बाकी 25 डेज जो होता है वो अपने सैलरी पे काम होता है। और ये मुख्तार साहब का भी एक मुद्दा उठा है कि ये मुख्तार साहब का क्या मुद्दा? देखिए, मुख्तार साहब वो यहाँ के कर्मी थे, अभी प्रमोशन हुआ, ये तो शुरू से होता आ रहा है। मैंने बार बार कह रहा है कि जो यहाँ प्यून में घुसा है, अगर योग्य है वो, अगर किसी योग्य है तो उसका प्रमोशन हमेशा स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा और बोर्ड के द्वारा होता आ रहा है। नगर निगम में यही होता आ रहा है शुरू से, अगर उसमें कोई आपत्ति कर रहा है तो ये बेबुनियाद है। और भी कई लोग हैं ऐसे, जो बहुत सारे लोग हैं, अभी चार में ही तो एक्सटेंशन में ही तो चल रहा है, अभी 4 ऐसे बंदे थे पिछले, इसमें 4 बंदे को एक्सटेंशन से ही आगे दिया गया है, उसकी भी चिट्ठी निकली हुई थी, जांच की मांग की थी। अच्छा, आप जो जिस वार्ड से आते हैं, 31 नंबर वार्ड से आप पार्षद हैं और स्थायी समिति के आज सदस्य भी हैं, तो क्या सब एजेंडा आपने वार्ड के लिए पास करवाया? देखिए, हमने भीगो जो है मेन नाला, जो ड्रेन है हमारा, जो सुलिस गेट से के द्वारा पानी, शहर का पानी नदी की तरफ जाता है, हमने मांग रखा है बल्लोपुर से लेकर करके, और ये हमारा जो शिव मंदिर, भीगो शिव मंदिर है, मेन ड्रेन नाला को गैंग द्वारा, पुकलन द्वारा इसको साफ सफाई किया जाए। जो नाला हमारा मुख्य नाला वार्ड में है, जिससे कई शहर, कई वार्डों का पानी जाता है, उसको गैंग द्वारा उसकी निकासी किया जाए। जो रोड नाला जो अभी वंचित बना बचा हुआ है, जो काम नहीं हुआ संवेदक द्वारा, जो के वो रेट रिवाइजिंग का जो है ये मामला चल रहा था कि उसको हमने कहा अतिशीघ्र उसको कराया जाए। जो नाला जो टेंडर में है, जो ये प्रोसीडिंग में है, उसको हम लोगों ने कहा है कि टेंडर में निकाल करके उसको प्रकाशित करें। आज अस्थाई सदस्य भी हैं, 18 नंबर वार्ड से चुन के भी आते हैं, क्या क्या एजेंडा सब पास किए और क्या क्या समस्या है मूलभूत जो दरभंगा नगर वासियों को, उस पर क्या क्या मुद्दा उठाया गया और उस पर क्या निर्णय लिया गया और क्या आश्वासन हुआ? आज की जो स्थायी समिति की जो बैठक हुई है महापौर महोदय के अध्यक्षता में, आज जितने भी सदस्य थे, नगर आयुक्त महोदय, डिप्टी मेयर साहब,
वो सभी लोगों ने एक सुर में शहरवासी के लिए हित की बात की, जिसमें कि जल नल पानी पर हुआ है कि यहाँ नगरायक महोदय को अवगत कराया गया, ताकि पिछले बार एक महीना पूर्व ही आंदोलन हुआ था पानी पे, ये नगर महोदय नगरायक महोदय अभी जस्ट 10-15 दिन पहले आए ही, उनको अवगत कराया गया और नगर आयुक्त महोदय जो है एक्टिव है, काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनको जैसे ही आए तो उनको देख रहे लगातार जो है कि शहर का जल निकासी कैसे हो, है ना, उस पर तत्पर है, लगातार निरंतर जो है वो काम कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। ये दो तीन ही समस्या देखिए, एक समस्या है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, नल जल योजना का समस्या है और नली गली योजना का समस्या है। ये सरकार का महत्वपूर्ण आकांक्षा योजना सब है, इस योजना में कहीं काम नहीं हो पा रहा। आज स्थायी समिति में क्या सब इस पर निर्णय लिया गया? नहीं, इसमें हुआ क्या है कि जैसे कि हम लोग का जो बुडको के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाया गया वार्ड में 12, 13, 18, जिसमें हमको लगता है कि कनेक्शन 80% किया है, मगर पानी अभी नहीं पूर्णता आ रहा है, जिस पर हम लोग लगातार जो है PHED और बुडको के संपर्क में है, दोनों वो टंकी निर्माण हो रहा है और एक पंप सेट लॉ कॉलेज में गारे हैं, उससे वो लीकेज सप्लाई का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आम आवाम को जो क्या सुविधा चाहिए, ये हम लोगों ने आज के मीटिंग में नगर आयुक्त महोदय को भी हम संज्ञान में दिए हैं कि शहर वासियों को साफ सफाई, रोड नाला, बिजली, है ना, वार्डों में तो अच्छे खासे जो है सो पार्षद लोग लगे रहते हैं, तो वार्ड का जो है लाइट है वो लमसम ठीक ठाक चल रहा है, मगर पूरे शहर का जो मेन रोड का जो लाइट है वो बंद है, जिसके कारण हमने आज नगर आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है और नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि हम जो इस कंपनी के हैं उनको हम बुला के इमीडिएट उसको हिदायत देते हैं कि पूरे शहर का लाइट इमीडिएट चालू किया जाए। अच्छे एनवायरनमेंट में आज की बैठक हुई है, उनके द्वारा काफ़ी सुझाव दिए गए हैं जो दरभंगा शहर के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। सर, 62 से 65 तक के लिए जो समिति के लोग जो मांग किए हैं इसको जांच करके भुगतान किया जाए, समिति के सदस्यों के द्वारा जो है बहुत सारे मुद्दों पर यह बोला गया है कि नियमानुकूल जांच करते हुए जो है संचिका का जांच करते हुए भुगतान किया जाए, तो जो भी सशक्त स्थायी समिति के मेंबर के द्वारा बताया गया है वो उसके आरोप में आगे कार्रवाई हो। सर, एक मामला है कि 30 लाख रुपए का जो है सो महापौर उपमहापौर और नगर आयुक्त के कार्यालय का रंगरोहन और का भी एक बहुत बड़ा एक राशि की इसमें बात दिखाया गया है सर, इस एजेंडा नगर आयुक्त का नहीं, महापौर का, महापौर का है, 30 लाख रुपये का जो है सैनिटाइजर वगैरह के मामले से देखा जाए वो उस एजेंडे को जो है अगली बैठक में रखने का जो है निर्देश प्राप्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कितना नंबर है?